हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और इस नेट की कक्षा में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। राम राम सबको, और सब बढ़िया हो आप लोग। डेली आपकी क्लास 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, 4 PM मंडे टू फ्राइडे पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट, 6 PM मंडे टू फ्राइडे, और ये आपको इस चैनल पे मिलेंगी। देन इसके बाद में दोस्तों, यदि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ज्योग्राफी के लिए डिटेल कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है, आप यूज कर सकते हैं, फीस में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। क्लास रनिंग में चल रही है, पेपर फर्स्ट 4 जुलाई से शुरू करूँगा फुल डिटेल के साथ में, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज का प्रश्न आपके सामने है, पहला सवाल, कल मैंने 1 से 18 तक करवाए थे, उसी क्रम में आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, या निम्न में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक होते हैं आपके कृत्रिम बंदरगाह। अब यहाँ पे बात कर रहा है वो प्राकृतिक बंदरगाह की, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई है, तूतीकोरन है, कोची है, विशाखापट्टनम है, तो इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा बंदरगाह इनमें प्राकृतिक बंदरगाह है और कौन सा बंदरगाह इनमें कृत्रिम बंदरगाह है। तो आपके सामने ऑप्शन है, 1 और 2 है, 1 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 4 है, तो इस क्रम में इसका सही आंसर होगा डी। इस क्रम में इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा मित्रों, याद रखना है। एक्सप्लेन मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, चेन्नई जो बंदरगाह है तमिलनाडु में है, याद रखना है चेन्नई तमिलनाडु में है, लेकिन ये बंदरगाह कैसा है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखना है, कृत्रिम पोर्ट है। और देन उसके बाद में अगर मैं कोची की बात करूँ, कोची आपका केरल में है, और ये कैसा है, ये प्राकृतिक है, कोची केरल में है जो प्राकृतिक है दोस्तों। देन उसके बाद में अपन बात करें तूतीकोरन की, तूतीकोर बंदरगाह जो आपका है, ये भी आपका कैसा बंदरगाह है, तूतीकोरन बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। और एक चीज और याद रखना है, तूतीकोरन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह की भार को कम करने के लिए डेवलप किया गया है, चेन्नई बंदरगाह की भार को कम करने के लिए, बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह की भार को, भार का मतलब वजन, भार को कम करने के लिए किया गया है, भार को, चेन्नई बंदरगाह की भार को कम करने के लिए किया गया है, कम करने हेतु, करने हेतु किया गया है। कार्टोग्राफी आप YouTube पे पढ़ सकते हो, जो विद्यार्थी पहले मेरी कार्टोग्राफी क्लास नहीं ली वो आप सर्च कर लेना, वाईफाई स्टडी के नाम से है, वाईफाई स्टडी पर डाल देना कार्टोग्राफी राजेंद्र सर, तो आपको मेरी कार्टोग्राफी के वीडियो खुल के आ जाएंगे, अगर आपने वो नहीं पढ़ाया तो पढ़ लेना, ठीक है। देन बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम भी कैसा पोर्ट है, विशाखापट्टनम, तो याद रखना है ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है, चिल्का झील को है, लोकटक झील को है, केवलादीव झील को है, बूलर झील को है। अब आपको ऑप्शन है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, सारे ही सही है। तो निम्नलिखित 8 क्षेत्रों में किसे रामसर को दर्जा प्राप्त है, तो आंसर आएगा ऑल, सभी को, सभी भी, ये सारी की सारी है, आपको याद रखना है मित्रों, यहाँ से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो
एक एक याद रखना, केवला देव कहां पे है? राजस्थान में। केवला देव कहां पे है? राजस्थान में है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि केवला देव कहां पे है? राजस्थान में। चिल्का कहां पे है? उड़ीसा में। ये भी याद रख लेना, सुमिलित में प्रश्न बन सकता है। चिल्का कहां पे है? उड़ीसा में। और लोकटक कहां पे है? मणिपुर में। लोकटक कहां पे है? मणिपुर में है। और बुलर झील कहां पे है? जेएंडके में। बुलर कहां पे है? जेएंडके में। अब याद रखना है, ये क्या है? आद्र दलदली क्षेत्र है रामसर साइट के तहत। क्या किया जाता है? रामसर साइट के तहत वेटलैंड का संरक्षण किया जाता है। आद्र दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। वेटलैंड का क्या होता है? संरक्षण होता है। वेटलैंड का संरक्षण होता है। और रामसर कहाँ पड़ती है? जगह कहाँ पड़ती है? ये ईरान में है। ईरान में जगह है, याद रखना है। और यहाँ पे ये वेटलैंड का समिट कब हुआ? 1971 में। यहाँ पे समिट कब हुआ? 1971 में। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आया ना भाई? पहली बार समिट हुआ था 1971 में। अगला सवाल आपका है मेरे बच्चों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। उकाई परियोजना, एक तो अब आपके सामने दिया है परियोजना, उकाई परियोजना, पत्रातु परियोजना। ये पत्रातु है, पत्रातु परियोजना, पेंच धाभोल परियोजना। अब आपको देखना है दूसरी सूची में झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अब आपको देखना है कौन सी परियोजना कहाँ पे है, कौन सी परियोजना कहाँ पे है मेरे मित्रों। तो आपके सामने है उकाई है, पत्रातु है, पेंच है, धाभोल है, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। करने का प्रयास करो। तो याद रखना है, देखो उकाई परियोजना, उकाई, उकाई की अगर मैं बात करूं तो ये ताप्ती नदी पर कहां पे है? ताप्ती नदी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है, ताप्ती नदी पर गुजरात में है। अब आप सुमेलित कर लेना, मैं बताता जा रहा हूं। पत्रातु परियोजना, पत्रातु ताप विद्युत परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, पत्रातु ताप विद्युत परियोजना, पत्रातु ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ की है मित्रों? ये झारखंड की है, रांची के पास है, ये झारखंड में, झारखंड की है, रांची के पास में, आपको ध्यान रखना है। पेच एमपी की है, पेच एमपी की है। और डाबोल, डाबोल बच गया क्या? महाराष्ट्र। डाबोल कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, एमएच महाराष्ट्र की है। तो उकाई परियोजना गुजरात की है, पत्रातु ताप विद्युत परियोजना झारखंड की है, पेंच मध्य प्रदेश का है, डाबोल आपके महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुमेलित में अब कर लो, उकाई गुजरात हो गया, बिल्कुल सही है आपका। पत्रातु आपका झारखंड हो गया, ये लो झारखंड हो गया। और पेंच आपका मध्य प्रदेश हो गया, डोभाल महाराष्ट्र हो गया। अब मिला लो, ये लो बी आ गया इसका आंसर, बी इसका आंसर है बी। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी, रावी नदी, चिनाव नदी, व्यास नदी। तो निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऐसी नदी देखनी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता। तो याद रखना है, इसका सही आंसर है ए, सतलज नदी। भाई सतलज नदी का उद्गम है ना, भारत में नहीं होता। सतलज नदी का उद्गम आपके तिब्बत चीन से होता है, कैलाश मानसरोवर, तिब्बत चीन, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से, कैलाश मानसरोवर से होता है मित्रों, याद रखना है। और रावी नदी का उद्गम चंपा से होता है, हिमालय से,
रावी नदी का उद्गम चंपा हिमाचल प्रदेश से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, हिमाचल प्रदेश से होता है, यानी कि रावी जो नदी है इसका हिमाचल प्रदेश के पास चंपा नामक स्थान से उद्गम होता है। चिनाव नदी जो है, चिनाव ये बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचा दर्रे के पास निकलती है, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और व्यास नदी की बात करूं तो रोहितांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश, तो अब क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल आपका है मित्रों, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, एक तरफ दिया है उद्योग, एक तरफ दिया है स्थान। उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो कागज उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है और खनिज तेल शोधन शाला है। इधर दे रखा है अंबाला मुकुल, बिला टीडागढ़, लरवेरी। अब आपको देखना है कौन सा उद्योग समूह कहाँ पे है, कागज उद्योग कौन सी जगह है, सीमेंट उद्योग कौन सा है, लोहा इस्पात कौन सा है, खनिज तेल शोधन शाला कहाँ पे है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अब मित्रों अगर मैं इसकी सही तरीके से व्याख्या करूं आपके सामने तो याद रखना है, देखो कागज उद्योग, फिर आप मिलाना कागज उद्योग, कागज कहाँ का है, टीडागढ़, कागज उद्योग टीडागढ़ का, सीमेंट की बात करूं लरवेरी, लोहा की बात करूं लोहा और इस्पात बिलाई, खनिज तेल शोधन शाला अंबाला मुकुल। अब सुमेलित कर लो इसको अंबाला मुकुल। तो कागज टीडागढ़ में, ये लो कागज टीडागढ़ में, ए में हो गया तीन। बस अब ए में देख लो, ए में तीन, बस बी आंसर हो गया, ए में तीन इसी में यही है और कहीं नहीं है, तो बी आंसर हो गया। सीमेंट की अगर बात करें तो लरवेरी में हो गया, इस्पात की बात करें अपन तो बिलाई में हो गया, मिला लो अब आराम से। और फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन खनिज तेल की तो मुकुल, अंबाला मुकुल में। अब आप मिला सकते हो कौन सा है, पहले देख लो कागज टीडागढ़, ए में तीन, तो अब सारा सही हो गया, बी आंसर हो गया इसका, क्लियर। अगला सवाल आपका, सूची एक को सूची नहीं है कथन और कारण दिए हुए हैं और आपको प्रयोग करके कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फैक्ट आपको याद होने चाहिए, समझ में है ना, फैक्ट आपको याद होने चाहिए तो आपको पता होगा, नहीं तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अब देखो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैव तत्व की बात करें इसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब इसमें दे रखा है ए और आर दोनों सही है, व्याख्या करता है नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो मित्रों याद रखना काली मिट्टी कपास की खेती के लिए तो उपयुक्त होती है लेकिन इसमें जैव तत्व नहीं पाए जाते हैं। अरे भाई जो काली मृदा होती है, याद रखना है इस काली मृदा का जो निर्माण होता है मेरे बच्चों, काली मृदा का निर्माण है ना, ये किससे होता है, ये लावा से होता है, लावा से निर्माण होता है, यानी कि ज्वालामुखी से निर्माण होता है, गर्म पदार्थ से निर्माण होता है। तो फॉसिल्स तो इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब इसका निर्माण लावा से होगा, गर्म पदार्थ से निर्माण होगा, तो फॉसिल तो इसके स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फॉसिल्स का होंगे इसमें, तो इस मृदा में फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है। और इस मृदा का रंग जो होता है वो काला क्यों होता है, वो होता है फेरस या लोहांस के कारण होता है। और जो काली मृदा होती है इसको चीका मृदा भी कहते हैं, इसको किले भी बोलते हैं,
चीका किले भी बोलते हैं, इसको बर्टी सोल भी बोलते हैं, इसको बर्टी सोल मर्दा भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए तो सही है किंतु आर गलत है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका है बच्चों, जनसंख्या के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं आपके सामने और आपको इन जनसंख्या के आंकड़ों को देखकर आंसर देना है। पहला है वर्ष 2011 के अनंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, प्रस्तुत कीजिए। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। अब आपको देखना है कि आपके सामने कूट दिया हुआ है, इस कूट का प्रयोग करते हुए आपको आंसर करना है। ये इन 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 क्वेश्चनों से ये ट्रेंड पता लग जाएगा आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ में है ना। तो अब आपको क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो यूपी, आप क्रम में देखते जाना यूपी है, यूपी के बाद में मेरे मित्रों आपका महाराष्ट्र है, MH महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में आपका बिहार है और बिहार के बाद में आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या होगा इनका, सबसे पहले उत्तर प्रदेश 4 नंबर आ जाएगा आपका, फिर MH महाराष्ट्र आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा, फिर आपका बिहार 2 नंबर आ जाएगा और फिर 1 नंबर आ जाएगा। अब ये आपका ऑप्शन देख लो किसमें है, ये आंसर हो गया आपका बी आंसर हो गया इसका, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस में योगदान देता है, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ट्रेट्रोफ्लोराइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये तो मैंने यूट्यूब पे खूब ग्रीन हाउस पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो देखो मित्रों, अमोनिया और ओजोन बिल्कुल नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, कार्बन ट्रेट्रोफ्लोराइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस मीथेन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने ग्रीन हाउस गैस आपको बता भी रखी है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना है मेरे मित्रों, CO2 और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा डी, क्लियर। अगला सवाल, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है और वन है। अब आपका इसका सही आंसर क्या होगा, तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन होते हैं, महासागर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है, क्यों क्यों होती है याद रखना, ये ध्यान रखना क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं कि महासागरों में जातीय विविधता होती है, जातीय विविधता होती है, महासागरों में सर्वाधिक क्या होती है, जातीय विविधता होती है, यानी कि प्रजातीय विविधता है, जातीय विविधता का मतलब प्रजाति यानी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, ये ध्यान रखना है। और जितनी ज्यादा जातीय विविधता होती है उसकी स्थिरता उतनी अधिक होती है, याद रखना। देखो क्यों महासागरों में सर्वाधिक प्रजातीय जातीय विविधता होती है, और जातीय विविधता याद रखना है जितनी ज्यादा होगी तो वहां पर उतना ही स्थायी पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होगा,
पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होगा, और जितनी कम होती है वहां पर उतना ही क्या होता है, अस्थायी होता है, याद रखना है, समझ में आया ना। तो महासागरों में जितनी ज्यादा जातीय विविधता होगी उतना ही स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा, और जितना जातीय विविधता कम होगी उतना ही क्या होगा, अस्थायी की ओर अग्रसर होगा। अगला सवाल, जैव मंडल भंडार और अवस्थिति नोक्रेक मानस दिहांग दिबांग अगस्त मलाई दिया हुआ है केरल असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अब आपको सुमेलित करके आंसर देना है कि कौन कहाँ पे है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोक्रेक कहाँ पे है, आपका मेघालय में, नोक्रेक मेघालय में है मित्रों, फिर आप मिला लेना। मानस की अगर बात करूं, मानस ये असम में है, मानस असम में है। दिहांग दिबांग की बात करूं, दिबांग की बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई केरल, अब मिला लो। नोक्रेक कहाँ पे है, मेघालय में, नोक्रेक मेघालय में, यानि कि ए में तीन। आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल को इस प्रकार से देख लो कि ए में अगर यहाँ पे तीन है तो इसका आंसर हो गया बी। अब कर लो, देखो ए में तीन है, बी। मानस की अगर बात करें तो मानस कहाँ पे है, असम में, आ गया बी, दो में। दिहांग दिबांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आ गया। अगस्त मलाई की बात करें तो केरल में आ गया, ये लो हो गया सुमेलित। तब तो इसका सही आंसर होगा बी। ऐसे प्रश्नों में एक ऑप्शन भी अगर आपको पता है तो आपका आंसर शीघ्रता के साथ में सही होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुइस, इकोसिस्टम, एडीपी कंडोल, इकोलॉजी, एजी टांसले, जैव विविधता रिटर। ये शब्दों का प्रयोग करना है, कौन सा शब्द किसने दिया है मित्रों, और इनमें पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित आपको देखना है मेरे मित्रों, कि बायोस्फीयर रिजर्व किसने शब्द दिया, एडवर्ड सुइस ने दिया है, और इकोसिस्टम एपीटी कंडोल का है, इकोलॉजी एजी टांसले का है, जैव विविधता रिटर का है, समझ में है ना। तो अब इसका सही आंसर आपको देखना है क्या है, तो याद रखना पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें, इकोसिस्टम जो शब्द है ये है एजी टांसले का, याद रखना इको सिस्टम शब्द किसका है, एजी टांसले का है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और इकोलॉजी किसका है, हैकल का है। इकोलॉजी शब्द किसका है, हैकल का है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और बायोस्फीयर रिजर्व इस शब्द का प्रयोग किया था एडवर्ड सुइस ने किया था इस शब्द का प्रयोग बायोस्फीयर का। और एक आपका बचा जैव विविधता, इस शब्द का प्रयोग किया था विल्सन ने शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल आपका है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, अम्ल वर्षा, एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जो सीधा आंसर है इसका, तो आंसर सीधा सीधा हो गया डी, किसी प्रकार की कोई आफत का सामना आपको नहीं करना पड़ा, तो इसका तो आंसर हो गया सीधा सीधा डी, अम्लीय वर्षा जो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल,
जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो याद रखना ये सभी हैं। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का कारण ये सभी है। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी है। तो याद रखना है ये सभी है। नेक्स्ट सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो मित्रों याद रखना है प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है मेरे मित्रों? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों, ए नहीं करता है, याद रखना है, बाकी सभी करते हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग या तापमान में वृद्धि में कोई योगदान नहीं करते। तापमान वृद्धि में आपके मीथेन है, CO2 है, जलवाष्प है, इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। भाई पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए ज्योग्राफी, जिन विद्यार्थियों को प्लस कोर्स अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है तो वो विद्यार्थी अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, इस नंबर पर पहुंच सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। प्लस कोर्स नेट के लिए पेपर वन पेपर टू दोनों में कोई भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आराम से पूछ सकते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? एजेंडा 21 की सही परिभाषा पढ़ा रखा है मैंने, यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, यह दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष चुनाव हेतु एक एजेंडा है। तो मैंने पढ़ा रखा है एजेंडा 21 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाई गई एक कार्य योजना का नाम है। तो ये तो मैंने बता रखा है आपको एजेंडा 21, और आपने सुना होगा रियो प्लस 5, रियो प्लस 10, रियो प्लस 20, ये सम्मेलनों के नाम सुने होंगे, समीट पढ़ा रखे हैं मैंने, ये आप यूट्यूब पे देख लेना मेरी क्लास है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या है, एक कार्य योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? पर्न है, लाइकेन है, मिली प्लांट है और अमर बेल है। तो याद रखना है मित्रों, लाइकेन, एक एक को समझ लेना, लाइकेन जैसे यूशनिया, लाइकेन जैसे यूशनिया क्या करते हैं? लाइकेन जैसे यूशनिया, लाइकेन है इसका सही आंसर, लेकिन जैसे इसके लाइकेन जैसे यूशनिया आदि SO2 जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के क्या होते हैं? सूचक होती हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक शैवाल भी है, लाइकेन एक शैवाल है, लाइकेन एक क्या भी है? कवक भी है, समझ में है ना। और ये किसका उदाहरण है? सहजीवी का उदाहरण है। सहजीवी का क्या है? उदाहरण है, याद रखना है, सहजीवी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आएगा लाइकेन। तो वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक लाइकेन, क्यों? लाइकेन यूशनिया जैसे हानिकारक प्रदूषित
जो पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा SO2 भी है, याद रखना है, लाइकिन एक शैवाल है, कवक है, और ये सहजीवी का एग्जाम्पल है। तो याद रखना, वायु प्रदूषण का एक जीव सूचक क्या है? लाइकेन है, याद रखना है आपको। अगला सवाल है आपका, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैस कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये सभी को यूरो के अंतर्गत, जो यूरो है, अभी मैंने आपको बताया कि भारत कौन से यूरो में शामिल किया गया है, भारत को कौन से यूरो में शामिल किया गया है, तो क्लास में पढ़ाया तब, तो इसका सही आंसर होगा ए, याद रखना है, डी आंसर होगा ये सभी। अरे भाई, अपन गाड़ियों में जो डीजल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, समझ में आया ना? और वो पोल्यूशन किसके कारण होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, समझ में आया ना? इनके कारण वो पोल्यूट होती हैं, पोल्यूट करती हैं। इसीलिए गाड़ियों में क्या किया गया है, यूरो जोन डेवलप किया गया है। यूरो जोन का मतलब जैसे यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। पेट्रोल अच्छा आता है, प्यूरिफाई अच्छा आता है उसको, शुद्धिकरण सही होता है और वो गाड़ी धुआं कम देती है। तो यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करते हैं। जैसे आती है ना, यूरो 2 आ गई है, यूरो 3 आ गई है, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला सवाल आपका है, इकोमार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई है जिनका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादकों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल, औषधियाँ एवं प्रति जैविक पदार्थ। तो मेरे बच्चों, एनवायरमेंट वाला पार्ट आपके सिलेबस में है, आपसे परीक्षा ऐसा पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। करना तो आपको ही पड़ेगा इस प्रश्न को कि किस प्रकार से क्या है इको मार्क योजना 1991 उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने तो आरंभ की गई जिनका पर्यावरण प्रभाव पर कम प्रभाव हो, समझ में है ना? तो उपभोक्ता उत्पाद में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? साबुन अपमार्जक नहीं है, कागज प्लास्टिक नहीं है, सौंदर्य के प्रसंसाधन नहीं है, औषधीय प्रतिजीवी नहीं है, कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल बात है, देसी दवाई और प्रतिजैवी नहीं है, बाकी सब है, ये सब है, ये इनसे है ना, ये देसी दवाई है, इनसे किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आज आपकी क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों, बाकी अपन बात कल करेंगे। और अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स आप खरीदते हो तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय, बाकी की पार्ट कल।